का प्रकोप कम होने के साथ ही प्रदेश सरकार ने प्रदेश में स्कूलों को खोलने का फैसला ले लिया है। 2 अगस्त से नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के स्कूलों की घंटियां फिर से बजने वाली है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जहां शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के उद्देश्य से स्कूल खोलने के फैसले को सही ठहराया है। जहां शिक्षा मंत्री डोटासरा का कहना है कि दूर दराज गांव ढाड़ी में ऑनलाइन स्टडी इतनी कारगर साबित नहीं हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष और अभिभावक इस फैसले के खिलाफ नजर आ रहे हैं। हालांकि शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अब बहुत जरूरी हो गया है कि स्कूलों को खोला जाए। वहीं अभिभावक संगठन और अभिभावकों का कहना है कि वर्तमान में 45 साल तक के अधिकतर अभिभावकों को ही पहली डोज नहीं लग पाई है और ऐसे में बच्चों को वैक्सीन लगना तो दूर की बात है, इसीलिए फिलहाल हम हमारे बच्चों को स्कूल के फैसले में हक नहीं है और ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो ऑनलाइन क्लास को नियमित रूप से चालू रखे जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने विभाग का हमारा ये प्रस्ताव था कि क्यों नहीं हम अभी एक बार स्कूल खोल लें, महीने दो महीने देख लें, तो इसलिए अंत में फैसला लिया गया कि हाँ इन विद्यालयों को हम लोग खोलेंगे, कोरोना गाइडलाइन की पालना करेंगे और कहीं कोई इसी तरह की कोई दिक्कत विपरीत परिस्थितियाँ बनी तो फिर हम लोग इस पर पुनर्विचार कर लेंगे, लेकिन एक बार 1-2 अगस्त से हम लोग विद्यालयों को खोलेंगे जिसकी गाइडलाइन कल या परसों में तैयार करके विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। तो स्कूल के विद्यार्थियों के साथ इस प्रकार का क्यों? इससे अभिभावकों के मन में भी एक कई प्रश्न खड़े होंगे, बच्चे के स्वास्थ्य के प्रति भी वो चिंतित होंगे। इसलिए अभिभावकों को विश्वास में लेते हुए शिक्षा मंत्री को तीनों को बुलाना चाहिए, अभिभावक, शिक्षक, प्रशासन, तीनों के बैठ करके संयुक्त रूप से निर्णय करने चाहिए। सरकार को कुछ चरणबद्ध तरीकों में स्कूल खोलने चाहिए। पहले 12वीं क्लास के या 11वीं क्लास या 12वीं क्लास का बच्चा, वो 17-18 साल का बच्चा, तो उसको वैक्सीनेशन हो सकता है। युद्ध स्तर पर अगर सरकार कोशिश करे तो 10 दिन में भी इन बच्चों का वैक्सीनेशन हो सकता है। राजस्थान का जितना भी बच्चा है, तो पहले उन बच्चों के लिए खोलनी चाहिए। आप कह रहे हैं पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक खोलें, तो सरकार का ये जो आदेश है बिल्कुल ही गलत है। अभिभावक इसके बिल्कुल खिलाफ है, हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजने वाले। अभिभावक जो बच्चों की स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं, उसको लेकर आज बहुत ही संशय अभिभावकों के मन में आ गया है। सरकार को अपनी इस सोच के ऊपर पुनः विचार करना चाहिए, इस निर्णय के ऊपर पुनः विचार करना चाहिए और बच्चों के स्वास्थ्य के अंदर, चूंकि देश के भविष्य हैं, प्रदेश के भविष्य हैं, इसके ऊपर दोबारा से गंभीरता से चिंतन करते हुए इस निर्णय को वापस लेना चाहिए। इस बार जब तक सरकार या स्कूल दोनों मिलके बच्चों की पूरी स्वास्थ्य की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, जब तक अभिभावक स्कूल में भेजने के लिए कोई भी अभी राजी नहीं है, इसलिए सरकार को इस बारे में पूरा विचार करना चाहिए।